दोस्तों, मैं अमन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 सब्जेक्ट है मैथ्स एंड चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 पर, ओके। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, आज हम पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं, पहले किताब में भी देख लेते हैं क्वेश्चन 2 कहना क्या चाह रहा है। किताब लेके आता हूँ, ओके, पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है, पूरा दिखा देता हूँ आपको। यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। इस वाली आइडेंटिटी से हमको ये सवाल करना है, कर लेते हैं इस सवाल को। उससे पहले हम आइडेंटिटी लिख देते हैं, कोई भूल नहीं हो जाए, आइडेंटिटी लिखना जरूरी है ना। आइडेंटिटी क्या थी हमारी, एक्स प्लस ए और एक्स इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर प्लस है दोनों प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी थी हमारी आइडेंटिटी, ए बी, ओके, यही थी ना हमारी आइडेंटिटी। इसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करनी है, ओके। सॉल्व कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह हमारी एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर रखेंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं। हमारी बी की, ए और बी कौन से, ये दोनों 3 + 7 इंटू एक्स, एक्स ही क्या बना है, एक्स ही है, प्लस 3 × 7 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7 × 3 = 10x, 7 × 3 = 21। यही हमारा आंसर है, अगर ये लेग टर्म होते तो कट जाते, कट नहीं जाए, यही हमारा आंसर है। सेकेंड इक्वेशन की तरफ पढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन उतार लेते हैं जब तक कापी उतारिए, ओके। अब हमारा क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड भी यही है, इसमें भी ऊपर वाली आइडेंटिटी लगेगी, जल्दी से फास्ट कर लेते हैं इसको। प्लस 5 + 1 = 4x, एक्स की जगह हमारी 4x थी ना, इसलिए हमने 4x रखा है। ए भी हमारे 5 और 1 है, 5 × 1, 4 × 16, x² आ जाएगा, प्लस 5 × 6 = 20, 24, ओके। x² प्लस 5 × 5, यही हमारा आंसर है, लेग टर्म होते तो कट जाते, पूरा दिख रहा है ना आपको, ओके, पूरा दिखा देता हूँ। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जल्दी से करते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन उतार लीजिए, हमारी थर्ड इक्वेशन उतर चुकी है। थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सेकंड इक्वेशन जैसी है, पर इसमें साइन चेंज है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ओके। आइडेंटिटी ऊपर वाली ही लगेगी, आइडेंटिटी में इधर प्लस था, इधर हो जाएगा माइनस, ओके, माइनस हो जाएगा। करते हैं 4x², ठीक है, प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस के 1, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं एंड बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं, मतलब कि बड़ा वाला ब्रैकेट, 4x बार ही रखना है, प्लस माइनस के 5 × -1, माइनस के 1 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा ना पक्का, अब आ जाएगा इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस कितने हो जाएंगे, 6 × 4 = 24x, ओके। इधर आ जाएगा हमारा, इधर हमारा आएगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, वो बचेगा प्लस, प्लस का 5, ओके, यही हमारा आंसर है। फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलते हैं जल्दी से, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता। फोर्थ इक्वेशन उतर चुकी है,
हिलता है बहुत कौन। फोर्थ इक्वेशन में भी हमें आइडेंटिटी लिख देते हैं, यहाँ पे दूसरा पेज है ना हमारा, आइडेंटिटी एक बार लिखना जरूरी है। एक्स प्लस ए, जल्दी से लिखता हूँ, आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए मैं बनाऊँगा नहीं। ओके, आइडेंटिटी मैंने उतार ली है। अब आइडेंटिटी के बाद हमको ऐसे ऐड सॉल्व करना है, इसमें माइनस है ना, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, वरना मैं आपको बता देता कि पिछली वाली की तरह ही होगा। फोर का एक्स स्क्वायर प्लस, हमें ये कोष्टक लगाना पड़ेगा, कोष्टक इसलिए क्योंकि इधर माइनस का वन है। ओके, इंटू फोर एक्स प्लस फाइव इंटू, ओके, उसके बाद सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, इधर हमारा प्लस ही आएगा, इधर हमारा प्लस ही आएगा। अब ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमारा फोर आ जाएगा इधर, फोर फोर जा सिक्सटीन एक्स आ जाएगा, प्लस हमारा इधर आ जाएगा अब माइनस, क्योंकि हम इनका मल्टीप्लाई करने हैं और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको। ओके, फाइव का फाइव माइनस के फाइव आ जाएगा। अच्छा, यही हमारा आंसर है। एक बार बता देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, प्लस है क्या हो जाता है हमारा माइनस के फाइव, प्लस माइनस माइनस, इसलिए हमारा माइनस आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था, फोर्थ। अब हम करेंगे फिफ्थ, फिफ्थ की तरफ चलते हैं जल्दी से, आप उतार रही है अब तक, मैं भी उतार, मैं किताब को इसलिए दोबारा लेके आया हूँ क्योंकि मैं बता देता हूँ जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जो पिछली बारी आइडेंटिटी से करा था ना हमने, उसी से हो जाएगा। ओके, एक्स की जगह में टू एक्स मानना है, सिंपल है, ए की जगह फाइव बी फाइव वाई और बी की जगह थ्री वाई। ओके, ये तो ऐसे हो जाएगा। अब बात आता है एस की, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। टू ए स्क्वायर प्लस नाइन, ब्रैकेट में टू ए स्क्वायर प्लस फाइव, टू ए स्क्वायर, इसलिए मैं इसको दोबारा कराना चाहूँगा, मतलब इसको यही कराना चाहूँगा मैं, इसमें टू ए स्क्वायर है, आपको डिफ़िकल्टी ना हो किसी बात की, इसलिए मैं इसको कराना चाहूँगा। आइडेंटिटी वही लगेगी ऊपर वाली जो मैंने लिख रखी है, आइडेंटिटी इसी के साथ करते हैं हम, हिलना नहीं है। टू ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है ना हमें, का भी स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव, इसमें दोनों प्लस के हैं, टू ए स्क्वायर, फिर उसके बाद हमारे क्या आएगा, प्लस नाइन इंटू फाइव, यही तो होगा, यही तो होगा ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना है तो इसका क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू ए का तो स्क्वायर तो ए ही रहेगा, पर हमें टू का स्क्वायर करना है ना कि ए का, द्वारा ए की पावर फोर हो जाएगी, टू था, टू का हमको एक बार करना है तो ए की पावर हमारी फोर हो जाएगी, और टू का हमारा हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, ए की पावर फोर, क्योंकि इसमें भी जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर होती है और ब्रैकेट के बाहर भी, दोनों आपस में प्लस हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, इसलिए आएगा आपका फोर प्लस, इसके बाद नाइन फाइव जा, नाइन और फाइव, नाइन फाइव जा नहीं आएगा, नाइन और फाइव बोला, नाइन टेन इलेवन फोर्टीन आ गया, फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट, ए का स्क्वायर नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं, मैं देख लेता हूँ किताब में, अगर उसी की जैसे हुई है अगली तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि आपको तो अब तक आ गए होंगे ना, अगर नहीं हुई उसके जैसे क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। देखो किताब आ चुकी है, दिखा देता हूँ, सिक्स सेवन तक तो हो गए हमारे, ये बचा है सिक्स तक हो गए थे, सेवन्थ लास्ट बचा है, इसको भी आप कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस माइनस, वही वाली आइडेंटिटी लग के हो जाएगा, एक्स एक्स वाई जेड, एक्स गया एक्स वाई जेड,
चलो करवा के दिखा देता हूँ, चलो करवा के दिखाता हूँ। ओके करवा ही देता हूँ इसको। क्वेश्चन बता लिया है, एक्स के हमें रखना था एक्स वाई और जेड का स्क्वायर रखना था। ओके ओके प्लस करना था हमें माइनस का 4, प्लस करना था माइनस के 2 के साथ। बड़ा वाला कोष्टक लगा देते हैं। फिर आएगा हमारा प्लस माइनस के 4 इंटू माइनस के 2 करते हैं। इसका होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर। ये इधर माइनस है तो इधर, हाँ हम भूल गए एक चीज़, इधर भी तो एक्स वाई जेड आएगा, इसकी जगह अभी तो एक्स वाई जेड आएगा, लिखना भूल गए ना। ओके इधर ले देते हैं हम 4। देखो ये होगा माइनस, इधर माइनस का चिन्ह आएगा ना कि प्लस का। ओके माइनस लगा देते हैं इधर, पर एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके इधर आपका आएगा माइनस, बोला था ना पिछले क्वेश्चन में भी तो कराया था माइनस माइनस, इधर आएगा माइनस। कंफर्म मैंने ऐसे करा, इधर देख लिया ना माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस प्लस माइनस के बड़ा है तो माइनस ही तो आएगा। इसका मैं अभी बताऊंगा, 15 मिनट की वीडियो करूंगा इसको पूरे। कितने हो गया हमारा 4 5 6 6 एक्स वाई जेड प्लस प्लस नहीं आएगा, इधर इधर आएगा आपका माइनस। माइनस माइनस क्यों आएगा, हाँ प्लस ही आएगा, माइनस से माइनस कट गए, इन टू है ना, ये इन टू में माइनस से माइनस कट जाएंगे। ओके माइनस से माइनस कट गए तो आपके क्या हुआ बचा, 4 2 8, ये हमारा आंसर है। मैं बता देता हूँ, अगर हम किसी का भी एडिशन कर रहे हैं प्लस माइनस, इनको हमको एडिशन करना है तो माइनस से माइनस नहीं कटेगा, प्लस से माइनस कटेगा, माइनस से प्लस कटेगा। ओके अगर हम इनटू कर रहे हैं इनका, इनटू क्या आएगा इधर, हाँ इनटू प्लस, तो इधर जो भी बड़ी संख्या होगी ना उसी का चिन्ह आएगा, इधर कटेगा नहीं। इधर हमारा था माइनस माइनस जुड़कर क्या हो गया, प्लस हो गया था, माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया था हमारा। ओके तो प्लस प्लस, इधर भी तो प्लस था, इधर प्लस प्लस प्लस, इसलिए हमारा इधर प्लस आ गया। और एक और बात बता देता हूँ, प्लस माइनस होगा तो आपका आएगा माइनस, प्लस प्लस होगा तो आपका आएगा प्लस, माइनस माइनस होगा तो आपका आएगा प्लस, डिफरेंट होगा तो माइनस, और वो होगा सेम डिजिट होंगी मतलब सेम चिन्ह होंगे उसका आएगा प्लस। अगर हम इसका इनटू कर रहे हैं, अभी बताया था ना इनटू कर रहे हैं, जो संख्या बड़ी होगी वो ही आएगी। ओके 15 मिनट की वीडियो तो हो नहीं पाएगी, इस वीडियो को मैं यहाँ यहीं पे एंड करूँगा 14 मिनट के साथ। और इसमें आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ है, उसके साथ में 3rd 4th and 5th 6th 7th 8th सारी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म कराऊंगा आपके साथ ही, आप भी मेरे साथ करना और कॉपी पेन लेकर मेरे साथ ज़रूर बैठा करिए। ओके वीडियो अच्छी लगी हो दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइक करें सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू।